प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में जानेंगे 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण, जो कि 100% के करीब करीब लग रहा है। अब यहाँ पे आप ये तर्क ना दें कि ये ऐसा है तो ऐसा है। पिछले 5 जून को भी चंद्र ग्रहण लगा था और उस दौरान हमने उसे ये कह करके कई जगहों पर प्राय सूतक काल नहीं मनाया था, या फिर अपने मन की करते रहे थे कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। एक बात बता देता हूँ, हम मानव अपने दिमाग का इतना ज़्यादा कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा तीव्र समझ लेते हैं कि प्रकृति के आगे घुटने टेकने से मना कर देते हैं। मना करना सही है, लेकिन जो ग्रंथों में लिखा है और जो चीज़ें परिधान पूर्वक बनाई गई हैं, हमें उसका पालन अवश्य कर लेना चाहिए। अगर हल्का भी उसका प्रभाव निगेटिव गया तो निश्चित रूप से हमें वो प्रभावित करता है बुरे तौर पर। ये इस बार का जो सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को लगने वाला है, वो लगेगा दरअसल सुबह 10 बजे 21 जून को सुबह 10 बजे मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र के चौथे चरण में मिथुन राशि में यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जहां पे एक ही साथ मिथुन राशि में ग्रहण लगने का मतलब क्या है कि इस दौरान चंद्रमा जो हैं वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे राहु के साथ, सूर्य भी रहेंगे वहीं पर। और गोचर में अभी जो मिथुन है यानी मिथुन राशि के अधिपति बुध, वो भी वक्री होकर के उसी राशि में से संचरण कर रहे हैं। 14 जून 2020 को ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो वृषभ राशि से उठ करके मिथुन राशि में चले जा रहे हैं। इस वजह से इस बार ग्रहण जो कि 21 जून 2020 को लगने वाला है, चार चार ग्रह सूर्य बुध राहु और चंद्रमा ये मिथुन राशि में एक साथ रहेंगे। ग्रहण के समय चूंकि सूर्य और चंद्रमा और राहु तीनों की स्थितियां एक साथ ही देखी जाती हैं, इस वजह से ये सारे ग्रह एक साथ ही इकट्ठा हो रहे हैं तभी ग्रहण लगता है। ये तो बात रही ग्रहों की स्थिति जो मिथुन राशि में लगने वाली है। इस दौरान का जो सूतक काल होगा वो आपको मनाना होगा रात्रि के 10 बजे, यानी कि 20 जून के रात्रि के 10 बजे से ही सूतक काल का आरंभ होना है, जो चलेगा ग्रहण के पर्यंत। और ये ग्रहण का काल खत्म होगा सुबह यानी कि दोपहर के 2:15 तक। सुबह 10 बजे से लेकर के 2:15 से 25 के बीच का ये ग्रहण रहेगा, इतने घंटों का काल, सुबह 10 से लेकर के मान के चलिए 2:30 तक। अब एक बात आपको इन राशियों के ऊपर, आपके नाम की जो राशि है या फिर चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उसके आधार पर आपका प्रभाव कैसा रहेगा, आपके ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा अगले 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 महीने तक, ये आपको हमेशा और नियमित रूप से किसी न किसी विभिन्न मामलों में प्रभावित करेगा। विशेषतया हमें इस बात का जरूर ख्याल रख लेना चाहिए कि ग्रहण के दौरान किन किन बातों का नहीं करना आवश्यक होता है। इस विषय पे कि सूतक काल के दौरान या ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरा एक कार्यक्रम और आएगा जो 21 जून से पहले बनाऊंगा मैं, उसे जरूर देख लीजिएगा। सूतक काल पे आधारित वो कार्यक्रम जल्दी ही लाने वाला हूं। आज शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां विभिन्न राशियों के ऊपर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव रहने वाला है ये जानते हैं। आइए आरंभ से अंत तक देखा करिए कार्यक्रम, क्योंकि कोई भी चीजें जो बीच में से छूटेंगी तो कुछ ना कुछ छूट जाती हैं। आरंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और आनंद लीजिए आज के कार्यक्रम का। आइए थोड़ी सी चर्चा आपको उस दिन के ग्रहों की स्थितियों पे बता देता हूँ, कैसी स्थितियाँ रहने वाली हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, उस दौरान चूंकि मैंने ये जो जगह डाला है वो दिल्ली का डाला है, आप अगर देश के विभिन्न हिस्सों की बात करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि ये लग्न बदल जाए, तो ये सामान्य सी बात है। परंतु अगर दिल्ली के आधार पर मैंने अगर समय निकाल करके देखता हूँ तो उस दौरान जो ग्रहण काल होगा वो सिंह लग्न में बीतेगा, मतलब सिंह लग्न उस समय बीत रहा होगा। और उसके बाद ये ग्रहण मिथुन राशि में लगने वाला है, सूर्य राहु बुध और चंद्रमा जहाँ बुध वक्री हैं वो एक साथ उपस्थित हैं। इन चारों ग्रहों की दृष्टियाँ क्रमशः पंचम भाव पे पड़ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बुरा होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान कुछ चीज़ें बदलेंगी अच्छाई के तौर पर और कुछ लाभ को कमज़ोर भी करेंगी, अर्थ को लेकर के नुकसान को दिखाने वाली हो रही हैं। इस बारे में चर्चा विभिन्न राशियों पे करेंगे। उसके बाद अगर देखता हूँ तो यहाँ पे शुक्र
अपने ही राशि के हो रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये स्थिति कि उस समय के हिसाब से ये दशम राशि में दशम स्थान से गोचर कर रहे हैं, मतलब सिंह लग्न अगर बीत रहा होगा तो उस दौरान ये दशम स्थान में आ रहे हैं और वृषभ राशि में वक्री होकर के स्थित है। शनि और गुरु दोनों एक साथ मकर राशि में उस दौरान रहेंगे और मकर राशि में उस दौरान होकर के इनकी तीसरी दृष्टि देखिए रोग भाव पे शनि की पड़ेगी और गुरु की पांचवी दृष्टि जन्म कुंडली में दशम स्थान पे पड़ेगी, यानी कि वृषभ राशि को देखने का काम करेंगे। यहाँ से अगर स्थिति को देखते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी जन्म कुंडली में, किस राशि को देखेंगे वो मीन राशि पे उनकी दृष्टि पड़ेगी और तीसरी के बाद सातवीं दृष्टि वो कर्क राशि को देखेंगे जहाँ मन को थोड़ा सा व्यथित और परेशान करने वाले होंगे। ये अलग अलग राशियों पे अलग अलग इसका प्रभाव रहेगा, प्रत्येक राशियों के लिए ये बातें नहीं हैं, लेकिन ग्रह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ भी दृष्टि डाल रही है और अगर उसका पोजिशन अच्छा नहीं है तो बुरा डालता है और बुरे प्रभाव से प्रभावित करता है। ये सभी और सभी ऊपर, सभी के ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं। अब उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे मंगल जो कि शनि के राशि में मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ है उसमें गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे वक्री ग्रहों की संख्या क्रमशः चार, बुध भी वक्री, शुक्र भी वक्री, शनि भी वक्री और गुरु भी वक्री। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु और केतु हमेशा वक्री ही होते हैं। मंगल खाली ऐसे ग्रह जो वक्री नहीं है और वो शनि की मूल त्रिकोण राशि जो कि उनके शत्रु होते हैं उसमें गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि से, और उनकी चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के वृषभ राशि पे शुक्र पे पड़ रही है। ये थोड़ा प्रभाव करेगा लेकिन उसका प्रभाव विभिन्न राशियों पे क्या होगा ये आगे चर्चा करेंगे। सातवीं दृष्टि मंगल की पड़ेगी सिंह लग्न पे, यानी कि सिंह राशि पे, उस दौरान जो स्थिति है ग्रह की वो सिंह राशि को देखेंगे मंगल, तो ये तो ठीक रहेगा। लेकिन आठवीं दृष्टि जन्म कुंडली में बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि पे दृष्टि डालेंगे। अब आइए आपको मैं एक एक राशियों के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो बता देता हूँ। अब आइए एक एक करके आपको विभिन्न राशियों पे, यहाँ पे देखना कैसे है ये सबसे पहले बता दूँ। तो आपके नाम की राशि अगर मेष राशि से आती है या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर मेष राशि में बैठे हों तो ये प्रभाव ग्रहण का कैसा रहने वाला है आइए बता देता हूँ। आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति और साथ ही साथ राहु और केतु और विभिन्न ग्रहों की स्थितियां भी डिपेंड करती हैं, इस वजह से अगर मैं जो बात कह रहा हूं वो घटित ना हो या फिर वो सेम टू सेम अगर बात ना हो सिद्ध, तो मुझे ये मत कहिएगा कि पंडित जी आपका फलादेश गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राशिफल और ग्रहों का प्रभाव वो प्रत्येक कुंडली पे लगभग बदल सा जाता है और क्रमशः वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में जो खुद की कुंडली है उसमें उस ग्रह की स्थिति उस ग्रहण काल के लिए या फिर आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है और कैसी है। उस सिर्फ एक कुंडली की अगर मैं जो बात करता हूँ तो वहाँ पे मोस्टली चीज़ें बदल सी जाती हैं और लगभग कुछ चीज़ें सिद्ध और सही होते भी देखी जाती हैं। ये बात क्लियर है। अब आइए अगर आपका नाम मेष राशि से आरंभ होता है या फिर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं तो उसका प्रभाव क्या रहेगा एक नजर डालते हैं। मेष राशि यहां और यहां से ये जो ग्रहण लग रहा है वो कौन से भाव में लग रहा है, तीसरे भाव में, क्योंकि ये ग्रहण जो है वो तीसरे भाव में जा रहा है आपके नाम राशि से। तीसरा भाव त्रिक भाव होता है और उसने सूर्य पे ही ग्रहण लगाया, यानी कि व्यक्ति पराक्रम तो करेगा लेकिन उस दौरान मति बुद्धि थोड़ी सी विचलित और चंचल सी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा को भी ग्रहण लगा है, बुध जड़ दोष भी बना रहे हैं, वक्री हैं तो थोड़े कमजोर भी होंगे क्योंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य ने चंद्रमा को अस्त किया क्योंकि अमावस्या है, तो इस दौरान ये भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ कमजोरी का दिखा रहा है। उनके साथ संबंधों को निकटता में लाने का प्रयास करिएगा, उनसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात कभी बिगड़ भी जाए तो संभल जाइएगा, हो सकता है आपका छोटा भाई, हो सकता है आपका बड़ा भाई आपकी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाए और यह निश्चित रूप से हो सकता है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि आपके कुटुंबीजन आपसे दूर ना जाए। इस दौरान अपने आप को और अपने पराक्रम को बहुत ज़्यादा फलीभूत करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर देखते हैं तो मेष राशि वालों के लिए
ऐसी स्थिति में गुरु और शनि चूंकि मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो राहु की दृष्टि, तो राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ, आठवीं यहाँ और नवीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। इस आधार पर कि राहु और मंगल का क्रोध का उत्पन्न करना ये जरूरी है। मंगल की चौथी दृष्टि अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 शुक्र को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो धन में भी थोड़ी सी समस्या लाने वाले हैं। महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से इस दौरान बच जाना चाहिए, विशेषतया अगले कुछ महीनों तक के लिए। अगर कोई पराक्रम जिसमें ज़्यादा करना हो, जिसमें भाई के साथ जुड़ करके कोई काम करना हो, या कोई ऐसा ऑफर अगर आ रहा है जहाँ पे आपके निकट संबंधी अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा रुक जाइए और संबंधियों के साथ संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करिएगा। इस दौरान मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और फल थोड़ा कम मिले तो चिंता नहीं कर लेनी चाहिए। मानसिक स्थिति की बात करें तो चूंकि राहु के साथ चंद्रमा है, अब ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसी स्थिति में है, सूर्य कैसी स्थिति में है। अगर वो अच्छे रहे तो निश्चित रूप से इस दौरान आपको आपके पराक्रम का लाभ भी देंगे और पराक्रम का फल भी बेहतरीन मिलने वाला है। इस दौरान अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी रही और कुंडली में बुध बहुत बेहतर हैं, तो 100% ये आपसे कुछ बेहतर निर्णय भी कराते देखे जाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ समस्याओं को निपटाने वाले और कुटुंबजनों के साथ निकटता लाने वाले भी होंगे। आपके पराक्रम का फल मिलेगा और आप चौगुने एनर्जी के साथ मेहनत करने वाले भी होंगे। अब विचार करते हैं कि ऐसी स्थिति में आप अगर कैरियर से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये मौका ये दे रहा है ग्रह, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण तीसरे भाव में गया, त्रिक भाव में बना और पराक्रम के भाव का ये फल होता है। ऐसी स्थिति में अगर मेहनत करना चाहते हैं तो ये स्थिति यहाँ से चूंकि पंचम भाव में सूर्य की राशि बन रही है और यहाँ के अधिपति होकर के सूर्य मेष राशि वालों के लिए जा करके ग्रहण से ग्रसित हो रहे हैं तो थोड़ा सा प्रभाव करेंगे। एजुकेशन से संबंधित निर्णय को लेने से थोड़ा सा बच जाना चाहिए और शिक्षा में हो सकता है व्यवधान, जैसा कि चल रहा है और हो रहा है तो होगा। प्रेम संबंधों में हो सकता है कि अभी थोड़ी सी रुकावट या हो सकता है कि संबंध थोड़ा सा कलुषित या कटुतापूर्ण रहे, इस वजह से उनके साथ निकट जाने का ही प्रयास करिएगा अगर वो दूर जाने का प्रयास करें तो। अब आइए वृषभ राशि के बारे में विचार कर लेते हैं। अगली राशि की तरफ आगे बढ़कर के अगर विचार करें तो वृषभ राशि पे चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है आप विचार करिए। मान लीजिए आपके नाम की राशि वृषभ राशि से आरंभ होती है या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में बैठे हैं, तो आपकी राशि वृषभ की होती है और इस दौरान का जो ग्रहण है आपकी कुंडली के लिए वो कैसा बन रहा है। यहाँ पर एक बात जो कि बता दूँ, वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली पे भी और ज़्यादा निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। वो अगर अच्छे होंगे तो ये थोड़े कम प्रभाव में रहेंगे निगेटिव तौर पे। अगर वो अच्छे भाव के अधिपति हैं, श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं तो बड़ा लाभ होगा, लेकिन अगर कमज़ोर होंगे तो थोड़े प्रभाव से हीन होंगे या थोड़ा निगेटिव जाने वाले होंगे, क्योंकि ये ग्रहों की नियम और नियति है। वो अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो थोड़े प्रभाव से कमज़ोर या कम फल को देने वाले होते हैं। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु आदि कुछ अच्छी स्थितियों में दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। विचार करते हैं तो ये वृषभ राशि की जातकों के लिए लग्न में ही शुक्र बैठे हैं और यहाँ ये ग्रहण जो लग रहा है, वैसी स्थिति में सूर्य कहाँ के अधिपति होते हैं, सुख भाव के अधिपति। सुख भाव के अधिपति को ग्रहण लगा कहाँ, द्वितीय भाव में। ये सुख भाव के अधिपति सूर्य होते हैं, वो जाकर के कहाँ बैठे, द्वितीय भाव में, और बैठे भी हैं तो बुध की राशि में, बहुत अच्छी बात नहीं है ये, और बुध के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता भी नहीं होती है। हालांकि बुध उनको अपना सर्वोत्तम मानता है, इस वजह से थोड़ा अच्छा फल करने वाले भी होंगे अगर कुंडली में अच्छे हुए तो। लेकिन यहाँ पे वृषभ राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण जो है वो दूसरे भाव में जा रहा है और ये दूसरा भाव किस किस का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, शिक्षा के आरंभ का भाव होता है, प्रेम संबंधों के आरंभ का भाव होता है, इन सबको थोड़ी थोड़ी परेशानी में डालेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ये उसका भाव होता है, इस दौरान थोड़ा बच जाइएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय खास करके अगर विचार करते हैं तो आपकी कुंडली जो वृषभ राशि की बनती है, ऐसी स्थिति में मंगल दशम स्थान में जा रहे हैं क्योंकि वो कुंभ राशि में हैं और वृषभ राशि के लिए वो दशम स्थान में दिग्बली हो जाएंगे।
भाव से, लेकिन राशि उनकी अच्छी नहीं है। इस वजह से जमीन से संबंधित कारोबार में बच करके, भवन वगैरह से संबंधित कारोबार में बच करके, और साथ ही साथ अगर अपने पति और पत्नी के प्रेम संबंधों को थोड़ा फ्लरिश करने की बात आ जाए तो कर लीजिएगा, उनके निकट जाने की बात आए तो कर लीजिएगा, लेकिन दूर जाने के बारे में विचार मत करिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब ग्रहण लगेगा तो कटुता का भाव जागृत करेगा। किसके साथ? ये कुटुंब का भाव है तो कुटुंब को परेशान करेगा। हो सकता है उनके साथ दूरी चली जाए, हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़े, हो सकता है उनसे थोड़ा सा विच्छेद करना पड़े, हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, क्योंकि चंद्रमा भी तो कमजोर है ना, वो कहाँ के अधिपति हैं? आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति होकर के व्यय करा रहे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं और वो बुध स्वयं वक्री है। राहु के साथ बुध की स्थिति तो जड़ बुद्धि भी बनाएगा, राहु के साथ सूर्य की स्थिति तो धन आगमन की स्थिति को भी कम करेगा, राहु के साथ सूर्य की स्थिति तो व्यक्ति को कटुतापूर्ण भाषा भाषी का इस्तेमाल करने वाला होगा। इन सभी चीजों पे कंट्रोल कर लीजिए, आसानी से ये काल बीत जाएगा। और इस दौरान चूंकि ये भक्ति का भी भाव होता है तो थोड़ी सी भक्ति भावना पे अपनी श्रद्धा जगा दीजिए। अगर वृषभ राशि के हैं तो देवी दुर्गा के अष्टोत्तर नाम का पाठ कर दीजिए, ग्रहण के दौरान बड़ा लाभ होने वाला है। अब आगे अगली राशि पे आते हैं। शिक्षा के बारे में अगर बता दूं तो शिक्षा भाव के अधिपति बनते हैं बुध आपकी राशि के लिए, और यहाँ के अधिपति होकर के वो ग्रहण में हैं तो थोड़े से कमजोर बन रहे हैं। ग्रहण के दौरान आप निश्चित रूप से दुर्गा जी की शरण में जाइए। आप वृषभ राशि के हैं और आपके लिए ये दूसरे भाव में जा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी तो देगा। तो नियमित, संयमित और सदाचरण से युक्त होकर के अगर इस ग्रहण काल को निपटा लेते हैं तो परेशानी छूमंतर हो जाएगी। अब आगे अगली राशि पे आते हैं। मिथुन राशि के बारे में विचार करवा लेता हूं आपसे। अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं, मिथुन राशि का मतलब अगर आपके नाम की राशि मिथुन राशि की है या फिर चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं तो आपके लिए ये ग्रहण का काल यानी कि लग्न में ही विराज रहा है। और ऊपर से इस लग्न पे अगर देखता हूँ तो कौन सा ग्रह देख रहा है? केतु से प्रभावित, और लग्न में ही सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा। जहाँ लग्नेश स्वयं बुध होते हैं वो वक्री हो रहे हैं, यानी कि जड़ बुद्धि की स्थिति बनेगी। इस दौरान निर्णय गलत सिद्ध हो सकते हैं तो थोड़ा संभल के आगे आने वाले दिनों में, मतलब 21 जून के बाद की स्थितियाँ आपके निर्णय को गलत और गलती से प्रेरित या फिर बाद में निर्णय पश्चाताप भरा हो सकता है और लिया गया निर्णय गलत सिद्ध हो सकता है, तो विचार कर लीजिए, क्योंकि व्यक्तित्व में ही ये ग्रहण लग रहा है। और ऊपर से आपकी कुंडली में जिस सूर्य को ग्रहण लग रहा है वो पराक्रम का अधिपति है, यानी कि भाइयों के साथ संबंध निकटता का नहीं होगा, कमजोर होगा। उनके साथ संबंधों में कटुतापूर्ण संबंध देखे जा रहे हैं अपने कुटुंबजनों के साथ, और साथ ही साथ इस दौरान किए गए पराक्रम के फल को भी कमतरी से मिलने की संभावना बन रही है। इस लग्न पे अगर देखता हूं तो कोई भी ग्रह देख नहीं रहा है। गुरु की पांचवी दृष्टि यहां पड़ रही है शुक्र पे, जो कि व्यय को दिखाने का काम कर रहे हैं। हालांकि गुरु उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे लेकिन फिर भी बड़ा कम। अगर बात करते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 दशम भाव पे पड़ रही है, तो रोजगार वगैरह में तो कोई संभावना बन रही है। अगर नौकरी वगैरह की तैयारी करते हैं तो चूंकि ज्ञान भाव के जो अधिपति हैं वो अपने ही राशि के बैठे हैं ना, तो वो थोड़ा सा खर्च की अधिकता तो दिखाने वाले हैं लेकिन नौकरी की भी स्थितियां बन रही हैं। ऊपर से अगर विचार करता हूं तो गुरु की सातवीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है धन भाव पे, धन आगमन की स्थिति तो बनेगी, लेकिन विचार करने योग्य बात यह है कि अष्टम भाव में गुरु नीच के भी तो हो रहे हैं, और अष्टम भाव से प्रभावित होकर के, शनि के साथ प्रभावित होकर के, ये थोड़े से अपने प्रभावों को कमतरी और स्वास्थ्य में कभी कभी परेशानी भी देने वाले हैं। अपने स्वास्थ्य का, विशेषतया मांसपेशी और लीवर आदि का या पेट का ख्याल जरूर रखना जरूरी है। आपके निर्णय प्रायः कई बार गलत से सिद्ध होते हैं, इस बात को जरूर गौर करिएगा, और जल्दबाजी में तो कोई भी निर्णय नहीं लेना सही रहेगा। अब बात कर्क की कर लेते हैं। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क की तरफ। कर्क राशि के अधिपति होते हैं चंद्रमा, और ग्रहण के काल में ये खासे कमजोर देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो पहले ही इनको अमावस्या का दोष लग जाएगा और ये अस्त हो जाएंगे बिल्कुल, तो मन को ये बड़े ज़्यादा परेशान करते हैं। और एक बात बताऊं तो कर्क लगने वाले थोड़े से मन से कमजोर होते भी हैं। अब आइए आपकी कुंडली में इस विचार पे गौर करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि के होकर के बैठे हों या फिर आपका नाम कर्क राशि से आता हो तो ये ग्रहण कैसा। तो ये देखिए, ये आपकी राशि है, अगर इसको हम केंद्र में रखते हैं
तो ये ग्रहण कहाँ जा रहा है? चूंकि ये ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है तो 12वें भाव में गया। राहु, बुध, चंद्रमा और सूर्य, ये चार चार ग्रह आपकी कुंडली के लिए। बुध 12वें भाव का अधिपति है, 12वें भाव में बैठा तो बुद्धि को कमजोर करेगा। वास्तव में अगर बुध वाणी का स्वामी होता है और कारक होता है तो ये बुद्धिमता का क्षय कर देता है। और वैसे भी वो राहु के साथ है और वक्री है तो थोड़े से उसकी दूसरी राशि जो है वो पराक्रम के व्यय को भी दिखा रही है। और वैसे भी एक बात कर दूं तो चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली के लिए राशि के अधिपति बनते हैं, यहाँ आपकी कुंडली में उनको 12वें भाव में जाने का और उनको प्रभाव ज़्यादा राहु से होते और पड़ते देखा जा रहा है। उनके ऊपर राहु का प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है। कारण क्योंकि राहु जब सूर्य को या चंद्रमा को ग्रसते हैं तो बड़ी रगड़ देते हैं और मन को बड़ा बेचैन करते हैं, क्योंकि ये 12वां भाव पड़ जाता है। इस राशि का अधिपति कहाँ गया? व्यय में, तो वो परेशान करेगा। और ऊपर से अगर विचार करते हैं तो बाकी के ग्रहों स्थितियों में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक रहे, पक्ष बल से युक्त रहे, हीन नहीं हुए, सूर्य अच्छे हैं, अच्छे भाव के अधिपति बन बैठे हैं, राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये थोड़ा कमजोर होगा, इस ग्रहण का प्रभाव निगेटिव थोड़ा कम जाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर रहा, क्योंकि वास्तव में लग्न पे गुरु और शनि की दृष्टि है, तो शनि जहां आपके काम में विलंब और मति बुद्धि को थोड़ा सा परेशान भी करेंगे क्योंकि चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, और यहां पे गुरु जो कि सप्तम भाव के, और गुरु और शनि की जो स्थिति है वो गुरु किसके साथ बैठे हैं? तो अष्टमेश के साथ बैठे हैं। और ये होते कहां के अधिपति हैं? तो भाग्येश होते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए अगर भाग्येश का संबंध अष्टम भाव से बनेगा तो परेशान करेगा। और वैसे भी मंगल अष्टम का बैठा है, तो मंगल अष्टम का बैठा यानी कि रोग, रिपु, शत्रु, परेशानी और मृत्यु का भय। निर्णय गलत हो सकता है, संभावना गलत बनती है, क्योंकि वास्तव में ये पंचम भाव के अधिपति बन के अष्टम भाव में बैठे हैं, शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं। और उनकी दृष्टि जो है, तो चौथी दृष्टि देखिए, 1, 2, 3, 4 लाभ को देख रही है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेगी। चौथी के बाद सातवीं दृष्टि धन को देख रही है, सूर्य की राशि, सूर्य धन भाव के अधिपति होकर के व्यय भाव में बैठे हैं। और वास्तव में सूर्य जो कि धन भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव में राहु के साथ ग्रहण में हैं, तो कहीं ना कहीं ये धन को भी कमजोर करेंगे। तो मानसिक चंचलता को कभी भी हावी मत होने दीजिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपने स्थिति को बिल्कुल सही और सजग होकर के इस ग्रहण के काल को निपटाना है। वस्तुतः कुछ दिनों तक आपको ये प्रभाव करेगा, विशेषतः अगर मैं कहूँ तो अगले 15 से 20 दिनों के बाद ही कोई बेहतरीन निर्णय लेने की संभावना बनती है, उसके पहले की स्थितियाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा कमजोर। हालांकि इसका प्रभाव तो अगले 6 महीने तक रहने वाला है क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आपको शिव जी की पूजा निरंतर रूप से कर लेनी चाहिए। अंतिम में मैं प्रत्येक राशियों के लिए उपाय भी बताऊंगा, तो अंतिम में देखा करिए। अब अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के मामले में ये भाव थोड़ा सा कमजोर बन रहा है, विशेषतया अगर डॉक्टर आदि से संबंधित अगर कोई काम करना चाहता है इस राशि का व्यक्ति तो कर सकता है, अगर मेडिकल सेक्टर से संबंधित अगर कोई काम करना चाहता है तो कर सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे निर्णय अगर प्रेम संबंधों को लेकर के जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बच जाइएगा, और उनके साथ थोड़ी सामंजस्य या फिर थोड़ा सा अपने दिमाग को चंचलता का शिकार मत होने दीजिएगा, और उनके साथ सहभागिता का निर्णय रखिएगा, सहभागिता के साथ उनके साथ शामिल होना है। ये क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूँ तो गुरु और शनि दोनों लग्न को देख रहे हैं, गुरु जहाँ उच्च की राशि को देखेंगे ये प्रभाव थोड़ा अच्छा करने वाले हैं, परंतु फिर भी चूंकि शनि अष्टमेश होते हैं और वो मंगल अष्टम भाव में बैठ करके थोड़ा सा प्रभाव को कमजोर कर रहा है, इस वजह से वो थोड़ा निगेटिव जा रहा है। अगली राशि पे आते हैं। अगर आपके नाम की राशि सिंह राशि से आती है या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं तो कैसा रहने वाला है इसका प्रभाव, तो विचार करिए। आपकी कुंडली में अगर हम इसको सिंह राशि को लग्न में रखते हैं तो ये ग्रहण कहाँ जा रहा है? आपके राशि से 11वें भाव में, और 11वें भाव में सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा लग्न के अधिपति या राशि के अधिपति अगर एकादश में जाएं तो ये लाभ तो देंगे, लेकिन एक बात जो कि बहुत ज़्यादा विचारणीय है कि कहीं ना कहीं ये मन को परेशान जरूर करेंगे और निर्णय गलत भी लिवाएंगे, क्योंकि राहु के साथ हैं। और निर्णय देने की क्षमता का ग्रह अगर देखता हूँ तो बुध वहीं बैठा है, वहीं का अधिपति होकर के, और वास्तव में वो धनेश भी होता है, तो धन का लाभ में जाना धन की स्थिति को अच्छा करेगा, लेकिन निर्णय गलत प्रायः करा सकता है। हर प्रकार की लाभ की स्थिति जो बनती है वो सिंह लग्न वालों के लिए बन रही है, और क्योंकि अगर विचार करते हैं तो जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में राशि पे ही पड़ रहा है, क्योंकि मंगल अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वो लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं,
इस वजह से आप में उग्रता और व्यग्रता की स्थिति भी, क्योंकि सिंह राशि के हैं तो वैसे भी उग्रता तो माथे पे रहती है, और वो राहु के साथ बैठा है और चंद्रमा बिल्कुल शीतल है ही नहीं, क्योंकि वो दोष में है और बुध भी वैसे भी जड़त्व दोष लगा करके वक्री होकर के कमजोर होकर के बैठ रहा है। ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है बुरे तौर पे, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि का होना और अग्नि तत्व के ग्रह का देख लेना ये विचारणीय है। तो अपने क्रोध पे नियंत्रण, अपने पत्नी के साथ संबंधों को बेहतरीन करने का पल और उनको शीतल और ठंडाई देने की बात है। अगर बात करते हैं तो जन्म कुंडली में गुरु और शनि आपकी राशि से छठे जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है, विशेषतया मांसपेशी आलस्य, पेट और शीत जनित बीमारियों को देने वाले ये हो सकते हैं, क्योंकि गुरु पेट के कारक होते हैं, वो रोग भाव में जा रहे हैं और बैठे भी हैं तो किसी अच्छे ग्रह के साथ नहीं हैं, और वास्तव में शनि आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये भावमारक और ये रोगेश होता है। ऐसी स्थिति में कि रोगेश के साथ अगर गुरु बैठेंगे तो पेट से संबंधित परेशानी, मति बुद्धि को परेशान, आपके हो सकता है कि व्यक्तित्व को थोड़ा सा मलिन कर दें, या हो सकता है कि यहाँ से जब उनकी दृष्टि पड़ेगी, पांचवें दृष्टि से जब जन्म कुंडली के दशम स्थान को देखेंगे, तो कैरियर में तो किसी भी तरीके का सपोर्ट उनको करते देखा जा सकता है, लाभ भी देंगे क्योंकि उच्च राशि से बारहवें भाव को देखने का काम कर रहे हैं और नवें दृष्टि से जन्म कुंडली के धन भाव को देख रहे हैं। यहाँ वो बुध की राशि को देखेंगे और बुध जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठा है, गुरु धन भाव को देखेंगे तो उसमें वृद्धि देंगे। तो धन के मामले में सिंह राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं कुछ अच्छा और स्पष्टतया बेहतरीन निर्णय को देने वाला दिख रहा है। आपको क्या क्या चीज़ कर लेना चाहिए इस दौरान, चूंकि आप सिंह राशि के हैं तो प्रत्येक दिन सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आरंभ कर देना चाहिए। उस दिन भी आप अगर चाहें तो ग्रहण के दिन या तो सूर्य के बीज मंत्र का जप कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लीजिए, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम पूरे ग्रहण काल का जप कर लीजिए, उसका लगातार निरंतर पाठ कर लीजिए, ये बड़ा बेहतर होगा। और ऐसी स्थिति में कि जब आप इसका पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य की सातवीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के ज्ञान को प्रज्वलित कर देगी, क्योंकि यहाँ पे केतु धनु से प्रभावित हैं और धनु राशि के अधिपति गुरु जो कि धन का संबंध बना रहे हैं थोड़े से निगेटिव जरूर हैं, क्योंकि वास्तव में वो पंचमेश होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, ये अच्छा हो जाएगा। अब अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर की राशि की तरफ। अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। अगर आप कन्या राशि से आते हैं, मतलब ये कि अगर आपके नाम की राशि कन्या राशि से है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि आप कन्या राशि से हैं, बुध से प्रभावित हैं। तो सबसे पहले बुध से जो लोग प्रभावित होते हैं वो थोड़े चंचल और अस्थिर मति बुद्धि के होते हैं, उनकी वाक शुद्धि बड़ी प्रखर और तीव्र होती है, व्यावसायिक सोच को रखने वाले होते हैं। अब विचार करिए कि आपकी कुंडली के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है। तो प्रश्न जब ये उठता है तो ये आपकी कुंडली का चक्र है। मान के चलिए अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, राहु बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी स्थितियाँ बेहतरीन हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर थोड़े से निगेटिव या पॉजिटिव अगर कुछ प्रभाव इसका पड़ेगा तो वो कैसा। तो अगर मान लीजिए मैंने आपकी राशि को लग्न में रखा, चूंकि जिसका विचार करना होता है ना उसे लग्न में रख देना चाहिए। अब विचार करिए कि कौन से भाव में ये राशि जा रही है या कौन से भाव में ये ग्रहण जा रहा है। तो कहाँ गया, मिथुन राशि में लगा तो 6 नंबर, अगर यहाँ होगा तो यहाँ 3 नंबर, यानी कि ये दशम भाव जो है वो इस ग्रहण से प्रभावित हो रहा है। और दशम भाव किस किस चीज़ का भाव विचार किया जाता है, नौकरी का, रोजगार का, व्यवसाय का, क्षेत्र का, लोगों के ऊपर आधिपत्य का, लोगों को डोमिनेट करने का, उनके ऊपर हक आजमाने का, प्रयास किए और करने का। तो ये कहीं ना कहीं अगर ग्रहण लगा है तो प्रभावित करेगा। अब कहाँ कहाँ के ग्रह प्रभावित हो रहे हैं तो विचार करिए, 12वें भाव के अधिपति यानी कि व्ययेश को ग्रहण लगा। दूसरी स्थिति में बुध दशम भाव के अधिपति हैं, वक्री हैं और वो आपकी कुंडली के लग्नेश भी होते हैं। लग्नेश का दशम स्थान में जा करके वक्री हो जाना अपनी राशि का बैठ के और जड़त्व दोष का निर्माण करना, मतलब कहीं ना कहीं ये मानसिक क्षति को दिखा रहा है। हालांकि लग्नेश के दशम स्थान में बैठ जाने पे कई बार रोजगार प्राप्ति की स्थिति भी बनती है, लेकिन सूर्य जो कि 12वें भाव के अधिपति होकर के केंद्र में आ रहे हैं और दशम स्थान से बैठ करके सप्तम स्थान को, चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता के साथ संबंधों में कटुतापूर्ण भाव लाएंगे। हो सकता है कि
आप जहां पे काम करेंगे वहां पे आपके बॉस के साथ थोड़ी सी उठा पटक वाली स्थिति हो सकता है कि काम करने के दौरान बीच में कोई स्थिति सामान्य सी ना रहे, हो सकता है कि आपके कलीग वगैरह आपके क्रेडिट को लेने के लिए आपसे झगड़ बैठे, हो सकता है कि काम के लिए काम का दबाव ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि निर्णय आपने जो काम को लेकर के किया हो वो थोड़ा गलत सा हो जाए। क्योंकि वास्तव में अगर विचार करते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होंगे और वो अभी के समय में भाग्य भाव में ही जा रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति की स्थिति अच्छी रही, यानी कि शुक्र की स्थिति अच्छी रही, तो वो ठीक होंगे। अब एक बात और गौर करने वाली है कि यहाँ पे गुरु और शनि, जो कि आपकी कुंडली में गुरु केंद्र के अधिपति होते हैं, यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ जो कि रोगेश भी हैं, रोग भाव के अधिपति के साथ उनकी युति है और वो एक तरीके से अगर देखता हूँ तो कहीं से भी उनको कहीं से भी बहुत अच्छे तरीके से फल करते नहीं देखा जाए। हालांकि पांचवें भाव में बैठे हैं तो श्रेष्ठ फल तो देंगे शिक्षा को लेकर के, लेकिन बड़ा कम। हालांकि त्रिकोण राज्यों भी लगाएंगे, कन्या राशि के लोगों के लिए गुरु जो है वो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राज्यों को लगा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त बल उनका क्षण होते देखा जा रहा है, क्योंकि वास्तव में वो रोगेश के साथ बैठे हैं और वो वक्री भी हैं, नीच की राशि से गोचर कर रहे हैं, इस वजह से थोड़े परेशान से दिख रहे हैं। उनकी राशि जो है वो बनी यहाँ पे, उनकी दूसरी राशि बनी जन्म कुंडली में कहाँ, सप्तम भाव में, तो दो केंद्रों के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे और पांचवी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो इस दौरान आपको हो सकता है कि धार्मिक कृत्य करने का लाभ या अवसर भी मिल जाए। सातवीं दृष्टि से जन्म कुंडली के लाभ भाव को देख रहे हैं तो ये श्रेष्ठ होगा, आपके लाभ को वो प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, लेकिन नीच के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा सा उस पर भी प्रभाव डालेंगे, ये 100% पक्की बात है। नवी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और वहां का अधिपति ग्रहण में है तो थोड़ा सा यशस्विता के प्रभाव को वो देने वाले होंगे, आप जीत तो जाएंगे लेकिन फसाद की स्थिति बनेगी, तो प्रायः लोगों के साथ संबंध तटस्थता का रखें, किसी दूसरे के उलूल जुलूल बातों में ना पड़े और कार्य क्षेत्र पे और जहां आप काम करते हैं उस जगह पे अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखने की आवश्यकता है। अगले एक महीने 20 से 25 दिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी कुंडली में गुरु जो कि पंचम भाव में बैठे हैं रोगेश के साथ और वो केंद्र के अधिपति होते हैं, आपके उनके साथ संबंध अच्छे रहने की संभावना है क्योंकि वो योग लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो दृष्टि है वो लाभ भाव पे और लग्न पे पड़ रही है, ये ठीक है, आप उनके निकट ही जाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ एजुकेशन भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि न्याय के साथ गुरु को सहयोग यहाँ पे देते देखे जाएंगे शनि। अब प्रिय दर्शकों, आज ये मैंने जो कार्यक्रम पेश किया है वो मेष से लेकर के कन्या राशि तक है, अगला इसका जो भाग बनेगा वो आपको कल सुबह प्राप्त हो जाएगा। कल जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम भी आपको प्राप्त होगा, वो अपने निर्धारित समय पे ही जाएगा। ग्रहण का प्रभाव कन्या राशि से लेकर के मैंने बताया मेष तक, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के ऊपर जातकों के लिए अगर बात करते हैं तो मेष राशि के लोगों को ग्रहण के दौरान हनुमान जी के हनुमान चालीसा का क्रमशः 108 बार पाठ कर लेना चाहिए, बड़ा समुचित लाभ होगा, पक्की बात है। वृषभ राशि से अगर आप आते हैं तो देवी दुर्गा के 78 नाम का कम से कम अत्यधिक संख्या में जप या पाठ कर लीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। मिथुन राशि से आते हैं तो मिथुन राशि के लिए तो ये समय थोड़ा कष्टदायक होगा, तो गणेश जी के गणेश संकटनाशक स्तोत्र या गणेश पंचरत्न का पाठ अधिक संख्या में कर लीजिए। गणेश जी को और ऐसी स्थिति बने तो गणेश जी के ओम गं गणपतय नमः के मंत्रों का जप या फिर बुद्ध के बीज मंत्रों का जप भी अवश्यम भावी है। अगर कर्क राशि से आते हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का जप आपके लिए बड़ा लाभ करने वाला है क्योंकि वो थोड़ा कमजोर बन रहा है, और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप या फिर शिव पंचाक्षर मंत्र का अत्यधिक संख्या में जप करता है अगर जातक तो लाभ बनेगा। सिंह लग्न के या सिंह राशि के या सिंह राशि से अगर आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सूर्य के मंत्रों का जपना या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर किसी भी तरीके से अगर हो सके तो सूर्य के मंत्रों का अत्यधिक संख्या में जप कर लीजिए या फिर द्वादशाक्षर मंत्र का, ये जो मैंने दोनों बातें बताई उसका जप बहुत लाभ करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बता दूं, अगर आप कन्या राशि से आते हैं तो सबसे पहले आपकी कुंडली में ये कैरियर भाव को रूल कर रहा है
और बुध की राशि बन रही है, और वास्तव में सूर्य आपकी कुंडली के व्यय भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ करके ग्रहण लगा रहे हैं, तो आपके खुद की कुंडली में कन्या राशि के जो भी जातक हैं, आपके खुद की कुंडली के लिए 12वें भाव के जो अधिपति बनते होंगे ना, उसके बीज मंत्रों का जप कर दीजिएगा। 12वें भाव के अधिपति आप कन्या राशि के लोगों के लिए, और अगर आपको ये पता नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपको गणेश जी के मंत्रों का जप लाभ देने वाला होगा। अब अगले कुंडली पे आएंगे, अगले राशि पे आएंगे, चर्चा करेंगे, वो कल सुबह आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल इसी राशि के अगले क्रम को आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।